बोला जाए। ओके बेटा चलिए देखने जा रहे हैं एक्सक्लूसिव सीट फोर, दैट इज द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सीट बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छी का मतलब है ये क्वेश्चंस तभी कर सकते थे जब आपको हमारे नोट्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो, कठिन नहीं थी, कंसेप्चुअल सीट थी। इन क्वेश्चनों में आईपी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये तीनों एक्चुअली मर्ज थे। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है, वो बच्चा क्या कंफ्यूज हो रहा है कि आईपी देखना है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखना। तो ये जो बीच में मनोदशा आपकी हो रही है इसका मतलब है कॉन्सेप्ट थोड़े से वीक रह गया, इसीलिए इतनी अच्छी सीट हमने बनाकर आपको दी थी और इसके सोल्यूशन में बताने जा रहा हूं। ये वीडियो मेरे ख्याल से 2 बजे तक अपलोड हो जाएगा, फिर आप इसके सोल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, इस पूरी सीट में एक करेक्शन था, तो वो करेक्शन से पहले मैं आपको करा देता हूं। करेक्शन कुछ नहीं था, क्वेश्चन नंबर 13 में एक करेक्शन है, दैट इज इन क्वेश्चन नंबर 13, इसका जो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन में साइन ये लग गया है ना, साइन ऐसे लग गया है, तो उस साइन को ऐसे कर रहा हूं। ठीक है, बस ये एक करेक्शन था और कोई करेक्शन इसमें नहीं है। ठीक है, और कोई करेक्शन नहीं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग चालू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर आपसे पूछा गया है नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा ऑर्डर करेक्ट नहीं है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन के प्रति चाहत, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज्यादा होगी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी उतनी ज्यादा होगी। बस इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी चूंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, साइन होगा उसका निगेटिव। अच्छा देखते पहला आपको कह दिया, आपको याद होगा दूसरे पीरियड में मैंने आपको ट्रिक बताई थी नबली कफ, नबली कफ, और बेरिलियम और नियन के बिल्कुल कम हो जाते हैं, जीरो मान लेते हैं और बाकी का ऑर्डर ये होता है। इवन मेरे बच्चे ये भी जानते हैं इन तीनों की ही जीरो मानी जाती है, मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन के प्रति चाहत बिल्कुल नहीं होती। जब चाहत नहीं है तो इलेक्ट्रॉन डालने में एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए इनके इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का साइन होता है पॉजिटिव और इन सब की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का साइन होगा नेगेटिव, क्योंकि ये होगा एक्सोथर्मिक। आप देख सकते हैं ऑक्सीजन सबसे आगे है, उसके पीछे है बोरॉन, ठीक है, उसके पीछे नाइट्रोजन है, उसके पीछे बेरिलियम है, तो पहला वाला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। अब ये देखिएगा जब सेकंड पीरियड की ट्रिक आपको मालूम है नबली कफ, तो थर्ड पीरियड की भी आप बना सकते हो। ओके, मैग्नीशियम और नियन, इनकी तो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा अब सुनना जरा, यहां पे देखिए नबली कफ नहीं बन सकता, क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि नाइट्रोजन की तो जीरो होती है, फास्फोरस की जीरो नहीं होती है, तो फास्फोरस एक कदम आगे चला जाता है। इसलिए देखिए सल्फर ओ के नीचे आएगा, हाँ भाई ठीक है, सिलिकॉन कार्बन के नीचे आएगा, हाँ भाई ठीक है, ओके। अब फास्फोरस, फास्फोरस और एल्यूमिनियम, अब आपको लग रहा होगा कि एल्यूमिनियम आगे होगा और फास्फोरस पीछे होगा, लेकिन नहीं होगा, वो तो नाइट्रोजन पीछे इसलिए गया था क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो थी, फास्फोरस की जीरो तो नहीं होती है, तो फास्फोरस यहां पर होता है, इसलिए आप देखिए दूसरा वाला ऑप्शन भी सही है, सल्फर सिलिकन देन फास्फोरस एंड देन एल्यूमिनियम। और आपको मालूम है इन सबकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कुछ ना कुछ होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगा, एक्सोथर्मिक होगा, लेकिन नाइट्रोजन की क्या होती है, जीरो, इसलिए पीछे गया था, फास्फोरस वहां से कंपेयर करने पे पीछे आएगा, लेकिन आप समझ रहे हैं फास्फोरस पीछे नहीं होगा, ये एक स्टेप आगे जाएगा, क्योंकि तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो नहीं होती है, कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होगी। इज इट क्लियर? अब फास्फोरस कितना आगे जाएगा तो ये भी हम आपको समझाना चाहेंगे। देखिए बेटा फास्फोरस होता है, मैं आपको ये भी समझाऊंगा,
3s2 3p3, समझिएगा मेरी बात, कार्बन होता है 2s2 2p2 और एल्यूमिनियम होता है 3s2 3p। ध्यान देखिए बेटा, देखिए कार्बन की ज्यादा होनी होनी है, क्यों ज्यादा होनी है, कार्बन जब एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर लेगा, जबकि फास्फोरस पहले से ही हाफ फिल्ड है तो ये इलेक्ट्रॉन में उतना अट्रैक्शन नहीं लगाएगा जितना इसको लगाना चाहिए, इसलिए कार्बन से तो इसकी कमी होनी है। अब बात करें फास्फोरस और एल्यूमिनियम की, इलेक्ट्रॉन ये गेन करना नहीं चाहता है, इसको भी इलेक्ट्रॉन गेन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि ये मेटल है, लेकिन चूंकि यहां पर इलेक्ट्रॉनों का जेड इफेक्टिव ज्यादा है, आप देखिए दो इलेक्ट्रॉनों का डिफरेंस आ रहा है, तो हाफ फील्ड पेनिट्रेशन पावर ये डोमिनेट नहीं होती है, तो इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा है। गॉट इट? कार्बन से कम क्यों है? क्योंकि कार्बन एक इलेक्ट्रॉन को लेके एक्स्ट्रा स्टेबल होगा तो ये एडिशनल इलेक्ट्रॉन पे भयंकर अट्रैक्शन लगाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी ज्यादा होगी, इसलिए बेटा ये वाला ऑप्शन भी बेटा क्या हो गया, सही हो गया। राइट बेटा, ये वाला भी सही होगा, सिलिकॉन की ज्यादा होगी, सही है, सिलिकन से कम होगी कार्बन की, क्योंकि कार्बन सेकंड का है, सिलिकन थर्ड का है, थर्ड वालों का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड वालों से ज्यादा होता है, कार्बन से कम होगा फास्फोरस का, मैंने भी बताया, और नाइट्रोजन का होता है जीरो, सबसे पीछे जाएगा, ये भी सही है। ये दूर से दिख रहा था गलत है, नाइट्रोजन सेकंड पीरियड वालों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड पीरियड वालों से कम होती है, तो ये क्या है, गलत। देखो बेटा, मैं ऐसे टीचर हूं और इस समय आप लोग घर पर प्रैक्टिस कर रहे हो, तो हमें चारों ऑप्शन एक्सप्लेन करें। ये सोचो, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता तो तुम चारों में दिमाग लगाते क्या? अबे दूर से दिख रहा है कि सेकंड पीरियड वालों की जो आईपी होती है वो थर्ड पीरियड वालों से कम होती है, जबकि ये ज्यादा बता रहे। और दूर से देखो तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो होती है, इसको सबसे पीछे होना चाहिए, तो दूर से दिखाई पड़ रहा है कि सेकंड वाला ऑप्शन गलत है, इसलिए राइट आंसर आपका होगा फोर्थ। गॉट इट बेटा? क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर वन, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर टू की तरफ, बड़े प्यारे सवाल है, बहुत प्यारे प्यारे सवाल है, आप आनंदित हो जाएंगे सवालों में। देखिए कह रहा है, एक आयन है एक्स माइनस जिसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन है 2s2 2p6, और Y प्लस का भी कॉन्फ़िगरेशन यही है, दोनों के कॉन्फ़िगरेशन सेम है, मतलब ये दोनों जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे। बेटा बोलो क्या होंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे। अच्छा भाई, अब सोचो अगर X माइनस का कॉन्फ़िगरेशन ये है तो X का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। बोलो बेटा, बात बेटा क्लियर हो रही है? अगर Y प्लस का कॉन्फ़िगरेशन ये है तो Y का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 2p6 पूरा भरा हुआ है, तो ये 3s1 हो जाएगा। ये प्रोडक्ट टेबल का एप्लीकेशन था, कोई भी देख के बता सकता है कि इट इज इक्विवेलेंट टू फ्लोरीन एंड इट इज इक्विवेलेंट टू सोडियम। समझ आया बेटा पॉइंट? एक्स में इलेक्ट्रॉन डालोगे तभी तो ये बनेगा, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये बन गए, Y से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये बनेगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डालोगे तो ये बनेगा। तो X क्या है? फ्लोरीन। Y क्या है? सोडियम। आइए देखते हैं सवाल क्या चाहता है। पहला ऑप्शन, IP ऑफ X इज इक्वल टू IP ऑफ Y। बेटा आपको याद होगा मैंने आपको लिखवाया था, सेकंड पीरियड या ऊपर वाले पीरियड का IP हमेशा नीचे वालों से ज्यादा ही होता है, इसलिए IP ऑफ लोअर पीरियड एलिमेंट is always greater than IP of higher period element। तो X का IP Y से ज्यादा होगा, ये बराबर बोल रहे हैं, इसलिए गलत हो गया। Next, electron affinity of X is equal to Y। गलत, ये fluorine है, electron affinity बहुत ज्यादा होगी, एक इलेक्ट्रॉन को लेकर ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेगा, तो electron affinity of fluorine is much greater than electron affinity of sodium। वैसे भी बेटा metals electron को accept नहीं करती हैं, okay? Non-metal ही electron को accept करती हैं, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। अब तक देखिए यहां पे मजा आने वाला है, ध्यान दीजिए।
देखिए बेटा, आप आईपी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से कंपेयर नहीं कर सकते। नो बेटा, हम दो सेम एनर्जीज को कंपेयर करते हैं। आप आईपी को आईपी से कंपेयर कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन आईपी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से कंपेयर नहीं कर सकते। अब सुनिएगा, सोचो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ वाई प्लस इज सेम एज आईपी ऑफ वाई, राइट और रॉन्ग? यही थे सवाल। कैसे? मैंने कॉपी पे लिखवाया था कोरिलेशन बिटवीन आईपी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। वाई प्लस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है कि वाई में एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो बनेगा वाई, और वाई से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बनेगा वाई प्लस। तो वाई प्लस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेम एस वाई का आईपी। आप चाहें इसको इससे कंपेयर करें तो वही आंसर होगा, और आप चाहें इसको इससे कंपेयर करें तो वही आंसर होगा। आपको मालूम है आईपी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन आईपी ऑफ वाई, आईपी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन आईपी ऑफ वाई। तो ये भी क्या हो गया? सही हो गया। पूछा क्या इन्होंने क्वेश्चन में? अच्छा, राइट स्टेटमेंट पूछा है। तो ये भी क्या हो गया बेटा? सही हो गया। बोलो बेटा, इज इट क्लियर? बेटा बात क्लियर हो रही है? आईपी को इलेक्ट्रॉन एफडी से कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। अब क्या करें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को वाई प्लस को क्या लिख सकते हैं? अबे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को वाई प्लस का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो वाई बनेगा, मतलब ए प्लस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वही होगी जो ए का आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, अंतर सिर्फ इंथैल्पी के साइन में होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम है ना। अब इसको तुम इससे कंपेयर करो, चाहे तुम इसको इससे कंपेयर करो, बात एक ही है, एक्स का आईपी वाई के आईपी से ज्यादा है, एक्स का आईपी वाई के आईपी से ज्यादा है। ये भी क्या हो गया? सही हो गया। आईपी को कंपेयर करना है, आपको मालूम है आईपी में सीक्वेंस क्या होता है, प्लस न्यूट्रल माइनस, पहले ये देखते हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन देखते हैं, फिर जेड इफेक्टिव देखते हैं। ये प्लस माइनस से कंपेयर हो गया, प्लस का आईपी ज्यादा होता है इसलिए गलत है। तो राइट आंसर क्या हो गया? क्या सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत प्यारे सवाल है, मजा आता है इन सवालों को लगाने के बाद। गॉट इट? क्लियर बेटा? हो गया है? क्वेश्चन नंबर, अरे दादा जबरदस्त क्वेश्चन आ गया, ये एलएल के टेस्ट पेपर में सवाल पूछा गया था। ठीक है, देखते हैं। लकली आप लोगों ने आज ही हमसे केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है, और आज ही आपने हमसे सीखा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फीजिबल, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस अपने आप होती है। तो देखो बेटा, इनमें से जो रिएक्शन ओवरऑल एक्सोथर्मिक होगा वही रिएक्शन अपने आप होगा, वही रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। यही वो चाह रहे हैं कि इनमें से कौन सी रिएक्शन अपने आप होगी। आइए एक हम करते हैं, दो हम बताएंगे, दो आप लोग घर पे करना, कर लोगे? चलो देखते हैं। पहला, पहले में रिएक्शन लिखा है एफ प्लस आई माइनस बराबर एफ माइनस प्लस आई, समझना। यहां पर एफ एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मतलब एफ की चर्चा चल रही है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, सहमत है? जो प्रोसेस होगा एक्सो, बोलो। और आई माइनस, आप एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, मतलब आई माइनस के लिए आप चर्चा कर रहे हैं आईपी की, और जाहिर सी बात है ये क्या होगा? एंडो। अब ध्यान समझना मेरी बात, ध्यान समझना, अगर इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड से ज्यादा हुआ तो ओवरऑल प्रोसेस एक्सो हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड अगर इससे ज्यादा हुआ तो ओवरऑल प्रोसेस आपका एंडोथर्मिक हो जाएगा और रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। कहने का मतलब ये है, हमें कंपेयर ये करना है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है या आई माइनस का आईपी ज्यादा है। मैंने अभी अभी 2 मिनट पहले बताया कि सेम चीजों को कंपेयर किया जाता है। आई माइनस का आईपी इज इक्विवेलेंट टू आई का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बोलो। यही पूरी सीट में यही पड़ा है, पूरी सीट में यही चीजें पड़ी हुई हैं। ठीक है, आई माइनस का आईपी का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आई में बदलेगा, तो आई माइनस का आईपी का मैग्नीट्यूड वही होगा
जो आई की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का होगा। अब तुम इसको इससे कंपेयर करो, चाहे तुम इसको इससे कंपेयर करो, आंसर सेम आएगा। देखना, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आयोडीन से ज्यादा, मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस डोमिनेटिंग है। अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस डोमिनेटिंग है तो ओवरऑल ये रिएक्शन एक्सो हो जाएगी, और अगर ओवरऑल एक्सो हो गई तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। क्लियर? तो ये रिएक्शन क्या होगी? स्पॉन्टेनियस। इन्होंने पूछा है नॉट स्पॉन्टेनियस, ठीक है, नॉट स्पॉन्टेनियस। समझ में आया? अच्छा, अगर समझ, एक और बता रहे हैं, दो फिर आप लोग घर पे करिएगा अपने मन से, ठीक है। एक और देखते हैं, चल देखो जिनन, बहुत प्यारा सवाल, मतलब माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन, एलएन के टेस्ट पेपर का सवाल है, सोच पाओगे? देखना, जिनन के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, मतलब आप जिनन के लिए बात कर रहे हैं आईपी की, बोलो, जो होगा एंडो, ठीक है, और एचई प्लस एक इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो एचई प्लस के लिए आप बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, बोलो, जो होगा एक्सो। अब फिर समझना, अगर ये डोमिनेटिंग हुआ तो प्रोसेस एंडो हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, और अगर ये डोमिनेटिंग हुआ तो प्रोसेस एक्सो हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। मतलब हमें इन दोनों के मैग्नीट्यूड को कंपेयर करना। फिर वही बात, आईपी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से कंपेयर नहीं कर सकते। ये टीवी बंद हो गई है, टीवी बंद हो गई, रिकॉर्डिंग हो रही है भैया? बाहर में टीवी चल रही है, अच्छा उसमें लगा के देखो जरा। ओके, मैं उम्मीद करता हूं मेरे बच्चे समझ गए होंगे, एचई प्लस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इक्विवेलेंट टू एचई का आईपी। अब आप आईपी ऑफ जिनन को आईपी ऑफ हीलियम से कंपेयर कर दो, हीलियम का आईपी जिनन के आईपी से ज्यादा है, मतलब यहां पर भी एक्सो वाला प्रोसेस डोमिनेटिंग है। अगर एक्सो वाला प्रोसेस डोमिनेटिंग है तो ये प्रोसेस ओवरऑल एक्सो होगा, और अगर ओवरऑल एक्सो होगा तो ये भी स्पॉन्टेनियस होगा। हमें ढूंढना है नॉन स्पॉन्टेनियस कौन होगा। क्या आगे के दो आप घर से कर लोगे, करके देखोगे? मेरे ख्याल से आंसर फर्स्ट और सेकंड तो नहीं होगा ना, या तो थर्ड होगा या फिर फोर्थ होगा, आप खुद करके देखिएगा। ये दो मैंने आपको समझाया, बिल्कुल ऐसे ही आप इसको और इसको कंपेयर करिएगा। हम चाहते हैं कि आप घर से करके देखें, ठीक है? ओके, खैर मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या दिया है, थर्ड दिया है, मतलब ये वाली होगी नॉन स्पॉन्टेनियस और ये भी होगी स्पॉन्टेनियस। ओके, तो ये आप लोग घर से कर कर देखिएगा, उम्मीद करता हूं आप कर लेंगे, ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीन, बहुत प्यारा सवाल, मजेदार सवाल, क्वेश्चन नंबर चार, उसका भी बाप है, देखते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग आयोनाइजेशन एनर्जीज को कंपेयर करना है, नॉट करेक्ट, ठीक है, देख दो यार, आओ यार देखिए, आईपी, आईपी में तो सर ने टेक्निक बताई थी, प्लस न्यूट्रल माइनस, इससे ना हो पाए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उससे ना हो पाए तो जेड इफेक्टिव। आप देखिए न्यूट्रल वाले का एनायनों से ज्यादा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। चल भाई मेरे, ये तो रब करने में इसमें प्रॉब्लम होती है, इसमें हाथ वाला रबर नहीं आता है। देखिए बेटा, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस का आईपी एन माइनस और पी माइनस से ज्यादा होगा, क्लियर है? अब इन दोनों के आईपी कैसे कंपेयर होंगे, जब पहले तरीके से ना हो पाए तो दूसरे तरीके पर जाइए, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है NH2LP3, अब क्या करें, तीसरे पे जाइए, N का साइज छोटा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, आईपी की वैल्यू ज्यादा, ये तो बन गया भाई। अब इन दोनों के आईपी कैसे कंपेयर करें, आपको अच्छे से मालूम है कि एनायनों के आईपी डायरेक्ट कंपेयर नहीं किए जाते हैं, हम उसके न्यूट्रल की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंपेयर करते हैं। आप चक्कर मत पड़ो, आप एन और पी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंपेयर करो, आपको मालूम है कि पी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है तो पी माइनस का आईपी भी ज्यादा होगा। ये ऑर्डर किसका था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, तो वही ऑर्डर बनेगा उसके एनायनों के आईपी का। क्या सही लिखा हुआ, बोलो सही लिखा हुआ। यहां पर आ जाइए, आईपी को कंपेयर करना है तो हम क्या करें, इनके न्यूट्रल के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कंपेयर कर दें। आपको मालूम है
थर्ड पीरियड वालों का सेकेंड पीरियड से ज्यादा होता है और बाकी डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटती चली जाती है। याद आया कि नहीं आया? नहीं आया यार। आफीफ कैसे गंदी निगाहों से देख रहे हो बे? ऊपर से नीचे जाने पर रूल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होनी चाहिए, याद है? लेकिन सेकेंड पीरियड वालों का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड पीरियड वालों से कम होता है तो ऑर्डर यही तो बनेगा। अगर ये ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का तो ये ऑर्डर बनेगा इनके एनायनों के आईपी का। सही लिखा हुआ है? सही लिखा। नेक्स्ट, आईपी कंपेयर करने अगेन आप क्या करिए, इनके न्यूट्रल का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंपेयर करिए नबली कफ, याद है? नबली कफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर ये बनेगा तो इनके एनायनों के आईपी का ऑर्डर ये बनेगा। इन्होंने गलती कर दी है, गलती करी कि सही किया? गलत किया है। लिथियम ज्यादा होगा बी माइनस से, लिथियम इन्होंने कम कर दिया है बी माइनस से, ये गलत हो गया। यही आपका आंसर है। हम सारे करेंगे लेकिन आपको इनका आईपी कंपेयर करना है तो आप इनके न्यूट्रल का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंपेयर करेंगे। नबली कफ बिल्कुल सही बना हुआ है। अगर ये इनके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर है तो ये इनके आईपी का ऑर्डर होगा। इज इट क्लियर? गलत कौन सा हुआ? समझ में बेटा? बहुत बड़ा सवाल, कुछ सवाल में है नहीं। इसमें आईपी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दो जिस्म एक जा बन गए, दोनों साले हर क्वेश्चन में घुसे हुए हैं, इसलिए तुमको सोचने में प्रॉब्लम हो रही है। सच्चाई ये है कि तुम्हें आता सब है। जब तुम इस सीट को दोबारा लगाओगे तो अपने आत्मविश्वास को चेक करना कि तुम्हारा आत्मविश्वास किस लेवल का होगा। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर चार क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर पांच की तरफ। देखिए बेटा क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग प्रोसेस इज मैक्सिमम, ये कॉपी पे सवाल मैंने कराया है मेरे ख्याल से, आप समझ गए हैं। पहले वाले में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन एड हो रहे हैं, दो। और खास बात क्या है, पहला इलेक्ट्रॉन जब ऐड हुआ होगा तब भी अट्रैक्शन लगा होगा और दूसरा जब ऐड हुआ होगा तब भी अट्रैक्शन लगा होगा। यहां पर देखिए n माइनस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है आपने और n बनाया है। ध्यान दो बेटा, ध्यान दो, ऐड नहीं किया है, सॉरी रिमूव किया है। ओके बेटा, देखो बेटा, अब देखो n से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो n बन गया। तुम्हें तो लग रहा होगा ये तो आईपी है और आईपी हमेशा एंडोथर्मिक होता है, हम लात मार देंगे। एनायनों के आईपी को डायरेक्ट चेक नहीं करते, हम उसके न्यूट्रल का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखते हैं। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो है, मतलब नाइट्रोजन में जब इलेक्ट्रॉन डालोगे तो एनर्जी कंज्यूम होगी, तो एन माइनस से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो एनर्जी रिलीज होगी। याद करिए हमने आपसे कहा था आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि आईपी भी एक्सो हो सकते हैं। किनके आईपी एक्सो होंगे? जिनके न्यूट्रल की इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एंडो होगा उनके एनायनों का आईपी एक्सो होगा, इफ यू रिमेंबर। यहां पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, प्रोसेस तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है लेकिन इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो होती है, एनर्जी देनी पड़ती है, प्रोसेस होगा एंडो। यहां पर भी इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, एनर्जी निकलेगी, प्रोसेस होगा एक्सो। आप बताइए सबसे ज्यादा एक्सो कहां है? पहले वाले में सबसे ज्यादा एक्सो होगा, दो दो बार अट्रैक्शन लग रहा है, दो बार एनर्जी निकल रही है, तो पहले वाले में लो बड़ा लख लो। ओके बेटा, सवाल समझ में आया? इसमें हमने आपको स्टार मार्क करवाया था, यहां पर याद करिए, कॉपी भी कराइए कि आईपी भी एक्सो हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया? चलिए हटा दो बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर पांच के बाद क्वेश्चन नंबर छह देखिए बेटा। विच ऑफ फॉलोइंग प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, एनर्जी एब्जॉर्ब होनी चाहिए। आइए देखते हैं। Na प्लस ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है तभी तो Na बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिनोट कर रहा है।
अट्रैक्शन लग रहा होगा, और जब अट्रैक्शन लग रहा है तो जाहिर सी बात है ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सोथर्मिक ही होगी। अब सवाल है कि इस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को नाम क्या दें? न्यूट्रल में इलेक्ट्रॉन डालकर एनायन बनाते हैं तो EA1 कहते हैं। अब यहां पर ये बनना है तो मैंने आपसे कहा था बोलने को जीरो बोल सकते हो। ओके, तो यहां से एक निष्कर्ष ये भी निकल रहा है, मान लो मेरी बात, कि जिस प्रकार से EA1 हमेशा एक्सोथर्मिक होता है एक्सेप्ट सेकेंड ग्रुप नाइट्रोजन एंड जीरो ग्रुप, उसी प्रकार से EA0 भी हमेशा एक्सो होगा। इसमें तब भी तुमने तीन को छोड़ दिया था, इसमें तो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि कैटायन और इलेक्ट्रॉन में हमेशा लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए एनर्जी हमेशा रिलीज ही होगी। ओके, नेक्स्ट एक्सो अपन को एन ढूंढना है। B- में इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ये IP को डिनोट कर रहा है। एनायन के IP कैसे कंपेयर करते हैं, उनके न्यूट्रल का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखते हैं। बेरिलियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो, मतलब इलेक्ट्रॉन डालने पर एनर्जी देनी पड़ेगी, तो अगर बैकवर्ड प्रोसेस है एंडोथर्मिक तो फॉरवर्ड प्रोसेस होगा एक्सोथर्मिक। ठीक है, मतलब IP देख रहा है तो एक्सो हो गया। फिर से वही सवाल है बेटा, उन एनायनों का IP एक्सो होता है जिनके न्यूट्रल का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एंडो होता है। नेक्स्ट, यहां पे इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्सो ही होगा क्योंकि ये डिनोट कर रहा है EA1 को। यहां देखिए दो इलेक्ट्रॉन डालने, आपको याद है सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यूजली डोमिनेटिंग ओवर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसलिए ये प्रोसेस ओवरऑल होगा एंडो। तो सारे तो एक्सो है, एंडो सिर्फ कौन है? अरे मिसप्रिंटिंग है, मिसप्रिंटिंग, गैस मिसमेल्टिंग बेटा। ठीक है, तो बड़ा समझ सबको आ गया। अच्छा, अब बताओ तुम लोग जो बैठे हुए हो कैसे लग रहे हैं? सवाल कंसेप्चुअल है कि नहीं है? कंसेप्चुअल है, बस IP और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऐसे घुस गए हैं कि तुमको सोचने में बस प्रॉब्लम हो रही है, वरना आता तुमको सब कुछ है। ठीक है बेटा, चलिए हटा दे, लिख रहे हो गए, हटा दे। 32 सवाल बताने हैं यार, तुम लोग बहुत सवाल पूछ लिए। Which of following electron affinity order not correct? Not correct आपको पूछा गया है। देखिए कार्बन, सिलिकन, बोरॉन, एल्यूमिनियम। आपको मालूम है सिलिकन का कार्बन से ज्यादा होगा और बोरॉन का एल्यूमिनियम से कम होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसका होगा? सिलिकन का होगा, उसमें कोई शक नहीं है, सिलिकन से कम। देखिए कार्बन एल्यूमिनियम में आप लोग किस बच्चों ने पूछा कि कार्बन एल्यूमिनियम में सर आपने कहा था कि सेकंड पीरियड का थर्ड पीरियड से ज्यादा होता है। अरे मूर्खों, मैंने कहा था सेकंड पीरियड का थर्ड से ज्यादा होता है अपने ग्रुप में, इसका मतलब ये तो नहीं लेकिन सबसे लगा दोगे तुम, वहां पे हमें चेक करना पड़ता है। कभी ऊपर का ज्यादा हो सकता है, कभी नीचे का ज्यादा हो सकता है, वो आपको चेक करना पड़ता है, कॉमन सेंस लगाना पड़ता है। जैसे देखिए कार्बन को एल्यूमिनियम से कैसे कंपेयर करें, वेरी सिंपल। कार्बन होता है 2s2 2p2, एक इलेक्ट्रॉन को लेकर ये हाफ फिल्ड होकर हाईली स्टेबल हो जाएगा। जबकि एल्यूमिनियम में दो प्रॉब्लम है, एक तो ये मेटल है इलेक्ट्रॉन को लेगा नहीं, और ऊपर से इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद कौन सा तीर मार ले रहा है, इसलिए कार्बन का जो होगा वो एल्यूमिनियम से ज्यादा होगा। तो आप देखिए पहले सिलिकन आ गया, फिर कार्बन, फिर एल्यूमिनियम और फिर बोरॉन, इसलिए पहला वाला क्या है सही। ओके बेटा, चलते हैं दूसरे वाले में चलते हैं। कार्बन है, फ्लोरीन है, ये सल्फर है, मैग्नीशियम को पीछे फेंको, इसमें कोई संदेह नहीं, जीरो ग्रुप का सबसे पीछे। अब देखिए नो डाउट कि फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा। बेटा बताइए, अब देखें बेटा बात करें कार्बन और सल्फर की, आप लोग ये नहीं कह सकते कि थर्ड वाले का सेकंड वाले से हमेशा ज्यादा होता है, नहीं कह सकते। आप देख सकते हैं यहां सेकंड वाले का ज्यादा है, थर्ड वाले का कम है, वो चेक करना पड़ता है, अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा होता है वो मान लेते हैं। ठीक है, अब सवाल ये है कि
कार्बन और सल्फर को कैसे कंपेयर करें। देखिए बेटा, कार्बन है 2H2 2P2 और सल्फर जो है 3H2 3P4। जब मेरी बात ध्यान समझना, समझना मेरी बात, हम क्या समझना चाहते हैं। अजी बात बताओ, सल्फर की ऑक्सीजन से ज्यादा है कि नहीं है? सल्फर की ऑक्सीजन ज्यादा है। अगर मैं ऑक्सीजन और कार्बन को कंपेयर कर दूं, अगर कार्बन का ऑक्सीजन से कम हुआ तो कार्बन का सल्फर से तो कम होगा ही होगा। और आपको मालूम है नब ली कफ, कार्बन होता है नब ली कफ, याद आया वे? तो अगर कार्बन का ऑक्सीजन से कम है तो कार्बन का सल्फर से तो कम होना ही होना है। तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों अपने आप को समय बर्बाद कर रहे हैं? सीधे बताइए, फ्लोरीन, सल्फर, कार्बन और मैग्नीशियम, ये भी क्या है? सही। यहां पर देखिए, क्लोरीन, सल्फर, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ये भी क्या है? सही लग रहा है? बताओ बेटा, देखो ना, गलत हो गया क्या? हाँ, गलत हो गया ना। फ्लोरीन, क्लोरीन और ऑक्सीजन, सल्फर है, नहीं गलत है, गलत है, गलत है भाई। क्लोरीन का ज्यादा हो गया, इसका ज्यादा हो गया, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब बात करें फ्लोरीन और सल्फर की, बेटा आप समझ गए होंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये बदलेगा इनर्ट गैस में, जबकि ये इनर्ट गैस में नहीं बदलेगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सल्फर से ज्यादा होगी। यस, तो ऑर्डर बनेगा क्लोरीन, फ्लोरीन, सल्फर, ऑक्सीजन, गलत है बेटा ये, क्लियर बेटा? इसको हम देख लेते हैं, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। कार्बन की इससे ज्यादा सिलिकन और सिलिकन से ज्यादा होगा सल्फर, बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर कौन सा मैच किया? इसे कहते हैं पुरवाल सर से पढ़ना, पुरवाल सर के क्वेश्चन को सॉल्व करना। हमारे एक एक क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो चार चार क्वेश्चन हैं। तुम्हारे मेडिकल में इतना थोड़ी कठिन पेपर आएगा, तुम्हारे मेडिकल में ये सवाल आएगा, देखना। अगर ये सवाल तुम्हारे मेडिकल में आया तो क्या आएगा? ये आएगा, बोरोन, एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकन, इनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बताइए, ये सवाल आएगा। अबे तुमने ये चार सवाल कर दिए पागल, इसलिए मेरी सीट में आपका समय लग रहा है, ठीक है? सवाल समझो बेटा, आ गया? चलिए भाई, उम्मीद करते हैं आप समझ गए। इसको हमने क्यों काटा पीटा कर दिया, समझ गए थे? काहे समय बर्बाद कर रहे हो, यहीं से कंपेयर करो ना नबली कप से, ठीक है? चल, सातवें के बाद भैया कॉपी पे लिख लेना, नहीं कॉपी मत लिखो यार, नोट चोरी हो जाते हैं, दिमाग में लिख लो। किसी एलिमेंट की आईपी को उस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफडी से कंपेयर करें तो आईपी इज ऑलवेज मच मच मोर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आईपी का मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से हमेशा ज्यादा ही होता है। आइए अपने बच्चों को दिखाना चाहिए। एक्स आईपी का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन निकालने में दी जाने वाली ऊर्जा। मान लो हमें एनर्जी देनी पड़ी 500 जूल, ठीक है? और एक्स से जब एक इलेक्ट्रॉन डालकर एक्स माइनस बनाओगे तो ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एनर्जी निकलेगी 100 जूल। मतलब मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखेंगे तो आईपी का मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से हमेशा बहुत ज्यादा होता है, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा होता है, ठीक है? हमेशा हर एलिमेंट के, ध्यान रखना। तो आईपी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कंपेयर करना है, आईपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सो फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अब तो कर लोगे, जानते बेटा, अब मैंने इतने सवाल बता दिए ना, अब तुम लोग आगे के सवाल कर लोगे, पक्की बात है, फिर भी मैं बताऊंगा। विच इज करेक्ट, अरे यार पूर्वा सर कितने बार बता चुके हैं, हम आईपी को आईपी से कंपेयर करते हैं, हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से कंपेयर करते हैं, अलग अलग चीजों को कंपेयर नहीं कर सकते। अब देखो, आईपी ऑफ सीएल माइनस को क्या मैं नहीं लिख सकता इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सीएल? बोलो, अब इसको इससे कंपेयर करो
इसको इससे कंपेयर करो, आंसर तो एक ही आएगा, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा है, तो सीएल माइनस का आईपीवी उससे ज्यादा ही होगा। ले उस वाला पहला वाला ही क्या हो गया, सही हो गया। देखा मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, आगे बढ़ो। अरे यार कैसे समझाए तुम्हें, कंपेयर नहीं कर सकते, कर सकते हैं पगलो, ये सेम एलिमेंट का आईपी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और अभी अभी बताया सेम एलिमेंट का आईपी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से हमेशा ज्यादा ही, बहुत ज्यादा होता। ठीक है, यहां पर आईपी प्लस ईए ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन आईपी प्लस ईए ऑफ क्लोरीन। बहुत से बच्चे सोच रहे हैं ये साला कौन सा सवाल है, अरे मूर्खो कुछ नहीं है, अबे ये क्या हो गया मेरे भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, आईपी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एवरेज ही तो होता है, तो ये वैल्यू भी आईपी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन से ज्यादा ही तो होगी, दो से दो कट गया, तो आईपी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन ग्रेटर देन आईपी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन, तीनों ही सही हैं, आंसर क्या टिक करोगे, फोर। ओके, नाइन के बाद टेन, देखिए बेटा आइए, एलिमेंट दिए गए हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल में दी गई है, और आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। देखिए AOH is more acidic than DOH, ध्यान दीजिए, आपको याद होगा ऑक्साइड और हाइड्रा ऑक्साइड, आपको याद होगा अगर ऑक्साइड और हाइड्रा ऑक्साइड मेटल के हैं तो ये होते हैं बेसिक, और नॉन मेटल के अगर हैं तो ये होते हैं एसिडिक। सहमत हो कि नहीं, मेटल का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, और नॉन मेटल का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। आप देखिए ए 3.77 है और डी 3.1 है, तो ए इज मोर नॉन मेटेलिक, तो ए का हाइड्रो ऑक्साइड ज्यादा एसिडिक होगा, एओएच इज मोर एसिडिक देन डीओएच, बिल्कुल सही, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है मतलब ए का नॉन मेटेलिक करेक्टर ज्यादा है, मतलब ए का हाइड्रो ऑक्साइड ज्यादा एसिडिक होगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट बी ओ एच इज मोर बेसिक, ये बी है किससे, सी सी, अरे हुजूर बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है मतलब बी ज्यादा मेटेलिक है, और जो ज्यादा मेटेलिक होता है उसका बेसिक करेक्टर ज्यादा होता है, तो बी भी क्या है, सही। ए बी मॉलिक्यूल इज प्रीडोमिनेंटली आयनिक, ए बी आपको मालूम है पॉलिंग स्केल में हम इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस निकालते हैं, अगर 1.7 आता है तो 50% आयनिक, 1.7 से ज्यादा तो प्रीडोमिनेंटली आयनिक, और 1.7 से कम तो प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट। आप देखिए डिफरेंस कितना आएगा, 3.77, 1.7 में 2 गया 5, 7 में 1 गया 6, 3 में 1 गया 2, आप देखिए ये डिफरेंस जो है 1.7 से ज्यादा आ रहा है, मतलब ये बॉन्ड 100% आयनिक ही होना चाहिए, यस है। आगे बढ़िए, DOH बॉन्ड इज मोर वीकर देन BOH, देखिए ये इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, देखिए वेरी सिंपल, D का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.1, O का है 3.5, B का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 1.12, O की है 3.1। ये सवाल में दो तरीके से आपको समझा सकता हूं, देखना OH वो जल्दी निकलेगा जहां पर बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, आप खुद देखिए ये जो DOH है ये नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड है, ये बेटा एसिडिक होगा, और जो एसिडिक होते हैं वो टूट कर OH नहीं देते, वो टूट कर H+ देते, ये बेस का हाइड्रोक्साइड है, और अगर ये बेस का हाइड्रोक्साइड है, सॉरी
मेटल का हाइड्रोक्साइड है तो ये बेसिक होगा, ये टूट कर OH आयन देगा, मतलब ये जल्दी टूटेगा और ये साला टूटेगा ही नहीं। तो DOH बॉन्ड इज मोर वीक, ये गलत लिखा हुआ है, BOH बॉन्ड इज मोर वीकर देन DOH बॉन्ड, इसलिए ये गलत हो गया। इसे यही आपका राइट आंसर भाई। OH टूट कर तभी निकलेगा जब मामला बेसिक होगा, और बेसिक तभी होगा जब मेटल साथ में लगा हो। यहां पे नॉन मेटल लगा है OH नहीं निकलेगा, यहां पे मेटल लगा है OH निकलेगा, ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा, इसलिए चौथा वाला स्टेटमेंट गलत है। ओके बेटा, चलिए दसवें के बाद बहुत बड़े बड़े सवाल हैं। सवाल नंबर 11 देखिए। विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नॉट करेक्ट। भैया जब मिक्सिंग होती है तो क्या करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन। आप देखिए दोनों पे चार सेम है, आप क्या करें, यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। बोलो यार क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि इसका साइज क्या है, छोटा। यहां पर भी अट्रैक्शन लगेगा लेकिन अट्रैक्शन कुछ कम लगेगा। तो जहां पे अट्रैक्शन ज्यादा वहां एनर्जी निकलेगी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन के प्रति चाहत ज्यादा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफ और एफ प्लस, बच्चा बता देगा एफ प्लस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा इसलिए एनर्जी यहां पर होगी ज्यादा। एफ में भी अट्रैक्शन लग रहा है लेकिन एफ प्लस की तुलना में तो कम ही लग रहा है ना, तो ये वाला भी क्या है सही, ये वाला भी क्या है सही। अरे नाइट्रोजन भैया जीरो होती है, तुम साले ज्यादा बता रहे हो, क्या हो गया, गलत हो गया। ओ और ओ माइनस में इलेक्ट्रॉन एफ डी कंपेयर करना है, हुजूर यहां रिपल्सन लगेगा, यहां लगेगा अट्रैक्शन, अट्रैक्शन वाले की इलेक्ट्रॉन एफ डी हमेशा ज्यादा होती है, सही हो गया। अब देखो हमने तुम्हें पढ़ाया तो चारों एक्सप्लेन करें, दिल पे हाथ रख के बताओ। उन्होंने नॉट करेक्ट पूछा था, दूर से दिख रहा था नॉट करेक्ट। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो जीरो होती है भैया, तुम सल्फर से साले ज्यादा बता दे रहे हो, पगला गया होगा, गलत है। तीसरा, डॉक्टर ने कहा है क्या कि एग्जाम में बैठ के तुम चारों सॉल्व करके आओ बे, अपन को अपना राइट आंसर चूज करना होता है, इसलिए स्मार्ट बनिए। ठीक है ना, 11 के बाद 12 देखिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एलिमेंट और आयन सोल करेक्टली, और देखो बेटा पहले ही आ गया, पहले ही आ गया, का है भैया ये लगाएगा रिपल्सन और इसमें लगेगा अट्रैक्शन, जहां पर होगा अट्रैक्शन वहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी ज्यादा, पहला वाले सही हो गया। ले भैया आंसर, लेकिन मैं चूंकि पढ़ा रहा हूं तो मैं सारे चेक करके आपको दिखा रहा हूं, वोट भी लिखा हुआ है, करना पड़ेगा। ठीक है, करना पड़ेगा भैया, ये तुमने टिक कर दिया है ना, ये अभी टिक नहीं कर सकते, तो ये वोट लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए पी और एन माइनस की इलेक्ट्रॉन एफडी मिक्सचर जब दिया जाता है तो सिर्फ अट्रैक्शन और रिपल्सन देखते हैं, एन माइनस में रिपल्सन लगेगा तो पी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, एन माइनस से गारंटी है आंसर क्या होगा, फोर आप गारंटी ले सकते हैं। ओ माइनस और एस माइनस में आइए, यहां पे भी रिपल्सन लगेगा, यहां पर भी रिपल्सन लगेगा, अब किसमें ज्यादा लगेगा, तो यहां पे साइज छोटा है रिपल्सन ज्यादा होगा, रिपल्सन कम, रिपल्सन ज्यादा का मतलब है इलेक्ट्रॉन के प्रति चाहत बिल्कुल नहीं है, मतलब O- की इलेक्ट्रॉन के प्रति चाहत बिल्कुल नहीं है, मतलब S- की चाहत तब भी ज्यादा है। इज इट क्लियर, अब मेरी बात सुन लो, सुन लो मेरी बात। देखिए बेटा जब भी क्वेश्चन मिक्सिंग पर होते हैं तो मिक्सिंग पर जब भी सवाल आएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर पूछा जाएगा। मिक्सिंग पर कभी भी सवाल ये नहीं आ सकता कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का ऑर्डर बताओ, कभी नहीं आ सकता, क्योंकि इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है ना। एक के लिए डेल्टा एच का साइन निगेटिव आ रहा है और एक के लिए पॉजिटिव आ रहा, तो इनका कंपैरिजन का कोई तरीका ही नहीं है।
हमेशा ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन मिक्सिंग पर होता है कभी भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो पूछ ही नहीं सकते हैं, उसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता। हाँ वो ये पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, ये पूछ लेंगे। ये कभी नहीं पूछेंगे कि किसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा किसका कम, कभी नहीं पूछ सकते। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर वही होता है जो इलेक्ट्रॉन एफिटी का ऑर्डर है, लेकिन ये सिर्फ न्यूट्रल केसों में बोलते हैं। मिक्सिंग में ये फंडा काम कर ही नहीं सकता, मिक्सिंग में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को कंपेयर कराया ही नहीं जा सकता, ये लॉजिक लेस बात है। मिक्सिंग में अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो पूछेंगे तो मैग्नीट्यूड पूछेंगे, उसका प्लस होगा या माइनस होगा ये पूछेंगे, लेकिन कभी भी ऑर्डर नहीं पूछ सकते। इन्होंने कहा इन दोनों में इलेक्ट्रॉन एफिटी किसकी ज्यादा है, आपने कहा एस माइनस की ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में वो आपसे क्या पूछेंगे, मैग्नीट्यूड बताओ। रिपल्सन ज्यादा लगा रहे हो, अच्छा तो तुम्हारे अंदर इलेक्ट्रॉन डालने में हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, प्रोसेस होगा एंडो। अगर यहां पर है प्लस का 500 तो यहां पर होगा प्लस का 200। मैग्नीट्यूड आपने बता दिया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब कतई नहीं है कि तुम ये कह दो कि इलेक्ट्रॉन एफिटी इसकी ज्यादा और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी ज्यादा, नहीं हो सकता। हम ऐसे क्वेश्चनों में इसका ऑर्डर कभी नहीं पूछ सकते, हम सिर्फ पूछेंगे तो वैल्यू पूछेंगे, ऑर्डर नहीं पूछ सकते। ओके हो रही बात, अच्छा सवाल खत्म हो गया, आगे बढ़े। बताओ बेटा ये दिया तो जो ऑर्डर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का होगा भाई इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई कहे इसमें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बना लोगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर हमसे पूछेगा ही नहीं। बहुत ज्यादा पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पूछ लेगा, ऑर्डर कभी नहीं पूछेगा वो आपसे। ठीक है, बहुत अंदर की बात बताई हमने आपको। 12 के बाद 13 देखते हैं बेटा, करेक्ट। बड़ा बढ़िया सवाल आ गया हुजूर। ए पर है पार्शियल निगेटिव, मतलब ए ने इलेक्ट्रॉन घसीटे होंगे, मतलब ए का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बी से ज्यादा होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू मुलिकन इज द एवरेज ऑफ आईपी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, साइन तो यही रहेगा ना बीच में। दो से दो कट गया, तो आईपी प्लस ये साइन चेंज कर लेना, करेक्शन बना इसमें। आईपी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए किसी ऑप्शन में दिखाई नहीं पड़ा, हटाओ। क्या चाहते हो, ये आईपी को साथ में लाना चाहते, ठीक है आईपी को साथ में लाओ, तो आईपी ऑफ ए ये इधर आएगा, हो जाएगा माइनस का। आईपी ऑफ बी साइन वही रहेगा, ये उधर जाएगा, क्या ऐसा किसी ऑप्शन में नहीं है, यहां पे प्लस लगा है जबकि होना चाहिए माइनस, ये गलत हो गया। और क्या चाह रहे हैं, एक के आईपी को ले रहे हैं, दूसरे के इलेक्ट्रॉन एफिटी को ले रहे हैं, अच्छा दूसरे इधर लेके आओ, तो आईपी ऑफ ए ये इधर आएगा माइनस इलेक्ट्रॉन एफिटी ऑफ बी, साइन वही रहेगा, आईपी ऑफ बी माइनस इलेक्ट्रॉन एफिटी ऑफ ए, क्या ये लिखा हुआ है, हाँ, लिखा तो है लेकिन साइन उन्होंने उल्टा कर दिया है इसलिए गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आओ, आईपी ऑफ ए माइनस आईपी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बी माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए, ये सही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज लेस, ये गलत है, आंसर क्या हो गया। ठीक है, सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन था, मुल्कन स्केल के ऊपर क्वेश्चन था, और ये मेजोरिटी ऑफ बच्चों ने ये सवाल पूछा, पता नहीं क्यों पूछा। ठीक है, ओके आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑर्डर, किसका
आइए पहला, मुल्कन वैल्यूज आर ग्रेटर देन पोलिंग वैल्यूज 2.8 टाइम्स ग्रेटर होती हैं, बिल्कुल सही। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहां पे क्लोरीन पे चार्ज है +7 और यहां पे +5, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, बॉन्ड पेयर के प्रति अट्रैक्शन होगा ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी ज्यादा। सी एच फोर ये प्लस है तो यहां पे आएगा -4, यहां आएगा +4। आप देखिए यही सवाल अभी नीट में आ गया था, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट ही पूछी गई थी, कितने बार क्लास में बताया होगा, पता नहीं कहां कहां बताया होगा। अब बच्चा गलत करे, नोट्स ना पढ़े, इधर उधर दिमाग लगाए तो मैं क्या कर सकता, ठीक है। तो यहां पर तो नेगेटिव चार्ज है तो रिपल्सन लगाएगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होगी, इसलिए ऑर्डर क्या हो गया, गलत। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो विच इज इनकरेक्ट, थर्ड वाला इनकरेक्ट। आप जानते हैं बेटा कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग 2.5 होती है और हाइड्रोजन की और फास्फोरस की बराबर होती है 2.1 इन पॉलिंग स्केल। कौन सा स्केल है ये? पॉलिंग। ठीक है, आगे बढ़े बेटा, नेक्स्ट 14 के बाद 15। विच बॉन्ड इज एक्सपेक्टेड टू लीस्ट पोलर, आपको याद है कॉपी में सवाल कराया था, OF फ्लोरीन की होती है 4, ऑक्सीजन की होती है 3.5, डिफरेंस होगा सबसे कम। आप जानते हैं आपको बहुत जल्द एक हम ट्रिक बताने वाले हैं, बना के लाना वे, ठीक है, वो ट्रिक बताएंगे तो मजा आएगा। बना ली, बताओ क्या क्या फोन कॉल, हाँ फोन कॉल कॉल ब्रेक्सी से पहले, ब्रेक्सी से ब्रेक्सी जिसे सही ब्रेक्सी ब्रेक्सी BRCSI, अच्छा BRCSI, अच्छा ठीक है, एक बच्चे ने वो ट्रिक बनाइए, ब्रेक्सी से पहले पहले बीजी बीजी बी बी या साइड, ये क्या, ये सेलेनियम था, वहां से देखिए, अच्छा ये तुमने क्या बनाया, आई होगा यहां, आई अलग है यस अलग है, तो पहले क्या आएगा, एस पहले यस करिए, आई फिर यस ई, ब्रेक्सी से पहले, अच्छा कोई बात नहीं, से पहले बिजी, ये एक्चुअली एक ऑर्डर था मैंने बनाया था, लेकिन मैंने एक बच्चे से बोला कि इसकी ट्रिक बना के लाओ, ये ऑर्डर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब कोई क्वेश्चन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आ जाए इसी ऑर्डर के अंदर समाहित हो जाएगा, ठीक है। फोन कॉल ब्रेक्सी से पहले बिजी, ब्रेक्सी का मतलब क्या होता है, बदतमीजी कर रहे होता, अच्छा अच्छा, फोन कॉल ब्रेक्सी से पहले बिजी। और भी आप लोग जो वीडियो देखेंगे ट्रिक्स बनाकर भेजिए मुझको, ट्रिक बनाकर भेजना है, ठीक है, तो आपको जाने खुशी होगी। जानते हो बेटा इन तीनों का ही होता है 2.5, कार्बन सल्फर आयोडीन तीनों का 2.5 ही होता है बेटा, इसका शायद 2.8 होता है और इसका 2.4 होता है, इसका 2.1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 1.8 होता है, मुझे वैल्यूज याद है, लेकिन आपको वैल्यूज याद नहीं करनी है। अगर आप इसका कोई गाना बना के मुझे भेजें तो मुझे बहुत खुशी होगी। फोन कॉल ब्रेक्सी से पहले बिजी, फोन कॉल ब्रेक्सी से पहले बिजी, ब्रेक्सी से पहले, अच्छा फोन कॉल ब्रेक्सी से पहले बिजी, कैच, कोई बात नहीं, आप लोग बना के मुझे भेजिएगा इसका, बड़े बढ़िया है। अब जानते क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई भी ऑर्डर पूछ ले आपको टेंशन ही नहीं,
और सबसे खास बात है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये जो ऑर्डर है ये नॉन मेटेलिक का भी ऑर्डर होगा, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका नॉन मेटेलिक नेचर भी ज्यादा होगा। बड़ी अच्छी हमने चीज बनाई है बड़े मेहनत से, बस आप इसको ट्रिक का रूप दीजिए, एक बच्चे ट्रिक का रूप दिया, देखते हैं हम लिख पाएंगे नहीं लिख पाएंगे। बोल रहे फोन कॉल ब्रेक सी से पहले बीजी, ठीक है चल अच्छा है ठीक है ओके। चलिए और आप लोग बना लेना कोई अच्छी सी बना ला, अब जब तुमने ये देख लिया तो अब तुम कुछ भी निकाल सकते हो, कौन सा बॉन्ड मोर पोलर कौन सा बॉन्ड लेस पोलर सब बता दोगे। ये 4 होती है 3.5 3 2.8 2.5 2.4 2.1 2 1.8। आपको जरूरत नहीं बेटा, जबरदस्ती ना देखो भैया, ऑर्डर अगर बना दोगे तो अच्छा लगेगा, मजा आ जाएगा, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी और कोई बात नहीं, विद फुल कॉन्फिडेंस ठीक है। आइए, इफ एक्स एटम ऑफ ए, ए है जिसके एक्स एटम ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, ये बदल गया ए माइनस में, एनर्जी निकली पी। इफ वाई एटम ऑफ ए, और y एटम ऑफ a ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया और एनर्जी गेन हुई q। इन्होंने गारंटी है आपसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूछा होगा, अरे वो पूछा है, अबे तुम्हें मुल्कन का फार्मूला लगाना है, मुल्कन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है IP plus electron affinity by 2। ठीक, जल्दी से बताओ यहां पर IP और EA क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, एक एटम में इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए X एटम में एनर्जी निकली है P इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एक एटम में निकलेगी P by X, तो इसकी वैल्यू रखोगे P by X। Y एटम में एनर्जी गेन करी है Q, तो एक एटम में एनर्जी गेन करोगे Q बाई Y, रख दीजिए वैल्यू, आंसर आ गया 1/2 Q बाई Y प्लस P बाई X, दिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो 1/2 P बाई X प्लस Q बाई Y, सेकेंड इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में रखते हैं, ध्यान रखिएगा उसी पर ये सवाल हमने बनाया था, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। मुल्कन 16 के बाद 17, ये अपना कॉपी पर कराया है, कॉपी पर कराया है, याद आया इसका आंसर था सेकेंड है, आपको ये बताया था मैंने, बोलो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम बराबर था 96 किलो जूल पर मोल। वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, आप कन्वर्जन कर सकते हैं, मैंने आपको सिखाया। 18 देखिए बेटा, विच ऑफ फॉलोइंग ऑर्डर इज नॉट करेक्ट। अब देखो, अब ये दिया है, अब देखो अगर तुम्हें याद है तो नॉन मेटेलिक यू हो गया, कुछ करना ही नहीं है, तुरंत देखना फोन कॉल ब्रेक सी, ब्रेक सी आगे बढ़ोगे से पहले बीजी, सही है सही है। हमने कहा था वो अगर याद कर लिया तुमने तो धनाधन काम हो जाता है, इसीलिए मैंने वो बनाया। क्यों मैंने बनाया? कोई ऐसे क्वेश्चन बड़े पॉपुलर क्वेश्चंस होते हैं बेटा। अब क्या होता है, इसमें बच्चा क्या करेगा भाई, हमने कॉन्सेप्ट यही सिखाया कि भाई पीरियड में चलने पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा और ग्रुप में चलने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। अगर तुम्हें वो ट्रिक याद है तो कुछ करने नहीं पड़ा, नहीं याद है तो क्या करते, बोरॉन फास्फोरस यहां होता, ऑक्सीजन सल्फर, ऑफ लेफ्ट टू राइट जाने पर आईपी बढ़ेगा तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है। ऊपर से नीचे जाने पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम हो जाता है, एम राइट बेटा। अब देखिए फ्लोरीन सबसे ज्यादा,
उससे कम बोलो बे ऑक्सीजन, उससे कम बोलो बे सल्फर। अब तुम यहां फंस गए कि हम फास्फोरस को राइट में माने या फास्फोरस को हम नीचे माने। तो हमने ट्रिक आपको बता रखी है, आप पांचवें ग्रुप में खड़े हो और पांचवें ग्रुप या उसके आगे हम आगे मान के चलते हैं, नीचे मानकर नहीं चलते। तो अगर आगे मान के चले कि फास्फोरस आगे है तो फास्फोरस का नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आपने मेरी टेक्निक से कर लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो आप याद कर लो तो आपको यह भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट और लेफ्ट के झंझट से आप बच जाओगे। ठीक है, ट्रिक बना लो, बच्चे ने बनाकर बताइए और अच्छी बनाओ, घर पे जाके और प्रयास करना। ठीक है, ये सही है। आयनिक कैरेक्टर बिल्कुल सही है बेटा, आप देखिए HF में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा। जैसे जैसे नीचे जाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस घटता जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस घटेगा तो परसेंट आयनिक करेक्टर भी घटेगा, ये बिल्कुल सही। ओके, बॉन्ड पोलैरिटी, हाँ यहां पे बड़ा अच्छा, देखना 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 मजा आने वाला है। बहुत प्यारा पॉइंट बेटा, बहुत प्यारा पॉइंट। सर इतना क्यों जोश में आ गए उसको देख के? एक्चुअली जोश में इसलिए आ गए हैं, सेवेंथ ग्रुप में आपने देखा ऊपर से नीचे जा रहे हैं, हमने सिंपल बोल दिया इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटती जा रही है, इसलिए इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस भी घटता जा रहा है, इसलिए परसेंटेज आयनिक करेक्टर भी घटता जा रहा है। हुजूर भैया जरा अंकित को भेजना। तो गुरु जी एक बात बताओ, यहां पर भी तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो यहां पर भी सेंटर एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटती जाएगी, तो इनका भी परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर घटता जाएगा। हाँ, हर ग्रुप में ऐसा होगा, पांचवें में ध्यान दीजिए ये नहीं होगा। हाँ क्यों नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बराबर होने के कारण इनका डिफरेंस आ जाएगा जीरो। और आर्सेनिक की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फास्फोरस से जहां और कम हुई वहीं ये डिफरेंस कुछ ना कुछ आएगा। मतलब इसकी जो इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस है वो इससे ज्यादा होगा, तो इसका जो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है इससे ज्यादा होगा। समझ में आया पॉइंट? नहीं समझ में आया? और इसका जो डिफरेंस होगा वो इससे ज्यादा होगा। तो पांचवें ग्रुप में मामला उल्टा हो जाता है। क्यों उल्टा हो जाता है? क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस फास्फीन के केस में जीरो हो जाता है। ओके, आइए इसको और करते हैं। छोड़ो, ए लिखो नहीं, छोड़ो और करते, हटो 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 हटो, मेरी बात समझो ना, मेरी बात समझो जरा। इसको हटा दे बेटा, ये गलत है ना बेटा, आंसर आपका यही हो गया, समझ में आ गया। अब मैं इसको और समझाने जा रहा हूं, ठीक है, और समझते हैं। चलो भाई, हमें मालूम तो चला जाएगा। अरे अंकित बेटा, तुम्हें क्यों बुलाया हमने? एक ही काम होता है मेरा, बस और क्या काम होता है। ठीक है, देखो देखो, आओ और दिखाते हैं आपको, ठीक है, कुछ और सिखाते हैं, देखना और दिखाते हैं भाई बच्चों, कैसे सिखाए हम, क्या सिखाना चाहते हैं। फोन कॉल ब्रेक सी, आगे बोल रहे ब्रेक सी से, और यही है तुम्हारा हाइड्रोजन। ठीक, समझा मेरी बात? अब देखो HF का डिफरेंस बहुत ज्यादा, HCl का डिफरेंस उससे कम, HBr का डिफरेंस उससे कम, HI का डिफरेंस उससे कम। ओके, तो हेलोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जैसे जैसे घटती जा रही है, इसका हाइड्रोजन के साथ डिफरेंस भी कम होता जा रहा है, तो परसेंट आयनिक करेक्टर भी कम होता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब जरा बात समझिएगा, यहां से ये डिफरेंस आपको अच्छा नजर आता है, ठीक है भाई, ये डिफरेंस बिल्कुल क्या हो गया, जीरो हो गया। ये डिफरेंस तब भी कुछ ना कुछ आएगा, इसकी वैल्यू होती है 3 और इसकी वैल्यू होती है 2.1, ये डिफरेंस तब भी आ गया 0.1। बोलो, अब सोचो जब आर्सेनिक में जाओगे तो ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो फास्फोरस की तुलना में आर्सेनिक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी,
और कम होगी, बड़ा बोलो। तो अगर फास्फोरस की 2.1 मान रहे हो तो आर्सेनिक की कुछ और कम 1.8 मानते। तो अब देखिए ये डिफरेंस कितने का आया, आप देखिए बेटा 0.7 का आया। मतलब NH3 से जब PH3 में गए तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस घटा, लेकिन PH3 से जब ASH3 में गए तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस फिर से बढ़ गया। AS से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंटीमनी की होगी, तो SbS3 का जब डिफरेंस निकालोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा बताओ, और कम हो जाए, कितना बचा पॉइंट, ये 2.1, ये 1.8, कितने डिफरेंस आया था 0.3। अच्छा भाई हम क्या है लिखने में चूक हो गई, हम आपका समय जरूर ले रहे हैं लेकिन हम कुछ दिखाना चाह रहे हैं, आप समझ लीजिए। और ये डिफरेंस कितने का आया पॉइंट, तो आप देख रहे हैं बेटा NH3 से PH3 में गए इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस घटा, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर घटा, लेकिन PH3 से जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जीरो था जब ASH3 में गए तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बढ़ा, और ASH3 से जब SbS3 में गए तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस और बढ़ा। ओके, दिस इज द कंट्रोवर्सी इन फिफ्थ ग्रुप। मोस्ट ऑफ द टीचर्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, हर ग्रुप के तरीके फिफ्थ ग्रुप में भी यही बना देते हैं और यही वो मात खा जाते हैं, ये गलत होता है बेटा। इज इट क्लियर? तो कौन सा आंसर गलत है, थर्ड आंसर क्या होगा आपका, थर्ड। ओके बेटा, क्या लिख रहे हो यार, क्या लिख रहे हो, लिख रहे जी थोड़ी नहीं तो समय देकर समझा रहे हैं आपको। अच्छा बेटा इधर देखो बेटा, ये बेटा होता है फेजेंस रूल। बड़ा कौन सा रूल है, फेजेंस रूल, कल वाली क्लास में आप लोग पढ़ोगे फेजेंस रूल। ये सही है बेटा, ठीक है ये सही है, जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाता है वैसे वैसे आयनिक कैरेक्टर कम होता जाता है, ये सही है। अब इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये फेजेंस रूल है। आपका आंसर मिल गया ना आपको, थर्ड। ओके बेटा चलो, 18 के बाद 19। देखिए बेटा, विच इज करेक्ट, करेक्ट पूछा है अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हुजूर एल्यूमिनियम का साइज गैलियम से ज्यादा होता है तो एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैलियम से कम होगी, गलत हो गया। अरे ट्रांजिशन कॉन्ट्रेक्शन याद है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम होगी, गलत हो गया। ब्रोमीन की कार्बन से ज्यादा, याद आया फोन कॉल, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, BR पहले है C बाद में है, तो ये क्या हो गया सही हो गया। कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम, कैल्शियम ऊपर होता है स्ट्रॉन्शियम नीचे होता है, और किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जैसे जैसे जाते हैं साइज बढ़ता जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाती है, ये भी गलत हो गया। ओके 19 के बाद 20, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखिए इन जनरल मोर द आयोनाइजेशन एनर्जी मोर विल बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बिल्कुल सही भाई, लेफ्ट टू राइट जाने पर IP बढ़ता है और लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है, तो मैं कह सकता हूं कि जहां IP ज्यादा होगा वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज मींस मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज, पगला गए क्या, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो ज्यादा नॉन मेटेलिक होता है, गलत हो गया, पूछा गया गलती पूछा, मैं लेकिन चालू करूंगा। इन जनरल लोअर विल बी आयोनाइजेशन एनर्जी हायर विल बी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही बात है, जिसका IP होगा कम वो इलेक्ट्रॉन निकालेगा जल्दी, दूसरे को रिड्यूस करेगा जल्दी, रिड्यूसिंग पावर होगी ज्यादा। क्लोरीन इज हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन फ्लोरीन, थर्ड पीरियड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड पीरियड से ज्यादा होती है और पूरी पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है, तो 20 का आंसर हो चुका है। नेक्स्ट 21, विच ऑफ फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक ऑक्साइड, जवानो ये एम्फोटेरिक, बोलो बेटा
सेलेनियम का ऑक्साइड है, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम नॉन मेटल में आते हैं, बोलो बे एसिडिक। अच्छा अच्छा नहीं बोला, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, ये दोनों आ गए नॉन मेटल में, बोलो ये आ गया तुम्हारा मेटलॉइड में, बोलो, और ये दोनों हो गए प्योरली मेटल। तो आप बताइए, बिस्मथ का मेटेलिक करेक्टर बहुत ज्यादा है, इसका ऑक्साइड प्योरली बेसिक होगा, तो इसका ऑक्साइड प्योरली बेसिक होगा, तो सबसे ज्यादा बेसिक हो गया Bi2O। ये एम्फोटेरिक है लेकिन ये प्योरली बेसिक होगा, मोस्ट बेसिक पूछा है तो Bi2O3 ही लगाया जाएगा। गॉट इट? 21 के बाद 22, विच ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टी डिक्रीज ऑन मूविंग डाउन। देखिए देखिए बेटा, एक बात आपको बताएं, एक बच्चे ने हमसे पूछा, शायद वो बच्चा कंफ्यूज हो रहा होगा, क्या? देखिए बेटा, देखिए बेटा, ऑक्साइडो, मेरी बात समझिए ना, डोंट कंफ्यूज बेटा, ऑक्साइडो में आपने ट्रेंड पढ़ा लेफ्ट टू राइट जाएंगे, नॉन मेटेलिक नेचर बढ़ेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और ऊपर से नीचे जाएंगे मेटेलिक नेचर बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ये ऑक्साइडों में था, मेटल ऑक्साइड या नॉन मेटल ऑक्साइड। अगर हम बात करें हाइड्राइड की, तो ये इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बॉन्ड लेंथ से चेक करते हैं। तो यहां पे मैंने बताया था एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर आप चलोगे पीरियड में, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ अगर आप चलोगे ग्रुप। तो ये अलग चीज का कॉन्सेप्ट है, ये अलग चीज का कॉन्सेप्ट है, आप दोनों को मिला मत दीजिए। ये ऑक्साइडों का ट्रेंड होता है जो डिपेंड करता है कि एलिमेंट नॉन मेटेलिक है या मेटेलिक है, और हाइड्राइडों को एलिमेंट के नेचर से मतलब नहीं है, उसको मतलब है पीरियड में चलोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखेंगे, और ग्रुप में चलोगे तो बॉन्ड लेंथ से देखेंगे। ओके, दोनों को मर्ज मत करिए बेटा आप लोग। आइए, एसिडिक नेचर, जाहिर सी बात है ऊपर से नीचे जाओगे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, एसिडिक नेचर बढ़ेगा, तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा, हमें चाहिए कौन घटे, ये आंसर नहीं होगा। इन्होंने पूछा है इनमें से वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो नीचे जाने पे घटेगी, एसिडिक नेचर ऑफ HX नीचे जाने पर बढ़ेगा क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, गलत हो गया। बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड, आपको मालूम है ऊपर से नीचे जाने पर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड बढ़ेगा, ये भी आंसर नहीं हुआ। नेक्स्ट, एसिडिक नेचर ऑफ HOX, आओ यहां पे कुछ पढ़ना पड़ेगा, आप नोट्स में कहीं पर लिख लेना, ये चीज हम पढ़ाते हैं बच्चों को, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले चैप्टर में, ये चीज बेटा हम पढ़ाते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले चैप्टर में। ओके, इधर देखिए बेटा, देखिए बेटा, अगर आपको कोई ऑक्सी एसिड दिया जाए विद सेम ऑक्सीडेशन नंबर, अगर आपको कोई ऑक्सी एसिड दिया जाए विद सेम ऑक्सीडेशन नंबर, देन एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंटर एटम। ठीक है, जैसे HOF, HOCl, HOBr, HOI, ठीक, इसको हटा देते हैं, यह हमेशा नहीं पाया जाता है। देखिए, ऑक्सी एसिड है हेलोजन के विद सेम ऑक्सीडेशन स्टेट,
जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी होगी ज्यादा, मतलब ऊपर से नीचे जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ घटती जा रही है। हाँ, हमें वही ढूंढना था जो नीचे जाने पे घटता जाए। सो थर्ड इज द राइट आंसर। ओके, अब देखना बेटा, अब कोई बच्चा इस चीज को और इस चीज को मर्ज अपना कर दे, चीजें अलग होती हैं, कॉन्सेप्ट अलग होता है। ऑक्साइडों में मेटेलिक और नॉन मेटेलिक से देखते हैं एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ। एलिमेंट हाइड्राइड में पीरियड में देखते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, और ग्रुप में देखते हैं बॉन्ड लेंथ से। ऑक्सी एसिड में सेम ऑक्सीडेशन स्टेट अगर है तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी होगी ज्यादा। तो आप बताइए, HOCl से नीचे जाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ भी घटेगा, और वो यही पूछ रहे हैं कि किसका नीचे जाने पे घटेगा। थर्ड वाले का नीचे जाने पे घटेगा। बेसिक नेचर ऑफ NaH यहां बता रहे हैं। देखिए बेटा, फर्स्ट है, समझ, देखो NaH KH सोडियम लिथियम भी होगा, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीरियम। देखिए बेटा, बहुत ही सिंपल सी बात है बेटा, ऊपर से नीचे जाओगे आईपी घट रहा है। आईपी घटने का मतलब है लिथियम अपना प्लस उतनी जल्दी नहीं बना पाएगा जितनी जल्दी सीजियम अपना प्लस बनाएगा। जो जितनी जल्दी प्लस बनाएगा वो एच को उतनी जल्दी माइनस में बदलेगा। आपको जान के खुशी होगी, एच माइनस इज ए, आप भविष्य में पढ़ोगे, लुईस बेस। जिस पर भी निगेटिव चार्ज होता है वो बेस होता है। तो आप बताओ, ऊपर से नीचे जाने पर एच माइनस बनने की टेंडेंसी बढ़ रही है तो बेसिक नेचर भी बन रहा है। बेसिक नेचर ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगा, हमको वो ढूंढना था जो घटे। तो थर्ड इज द राइट आंसर। अब एक क्वेश्चन में चार चार क्वेश्चन है, इसलिए हमारी सीट ये 32 क्वेश्चन की सीट नहीं है पागल, ये सीट है हमारी 100 क्वेश्चन की। वो देखने में 32 लग रहे हैं, वो एक्चुअली में 100 क्वेश्चंस है। ओके, हाँ, हम ऐसे नहीं बोलते हैं 45 में 45, हम उसका पढ़ाते भी हैं, आप उसको आपको प्रैक्टिस करवाएंगे हम, ठीक है। 22 क्वेश्चन हो गए हैं, अब दूसरी क्लास चालू होने वाली है, तो आप आगे के 10 सवाल अब लगाइएगा, आपके निकल जाएंगे। नहीं निकलेंगे तो दूसरा लेक्चर हम बना देंगे, ठीक है बेटा। ओके ओके भाई, थैंक यू। अब आप लगाइएगा बेटा, ठीक है, सवाल निकल जाएंगे आगे के, मैं सब बता दिया आपको।